Hey, welcome student to a new lecture on finding area of isosceles triangle. ठीक है, isosceles triangle का आप जानते होंगे कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है b by 4 root under 4 a square minus b square. और बच्चे ना ही याद कर पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं कि कहाँ से आता है. तो अगर आपको भी अगर इसमें दिक्कत है तो आप इस वीडियो को देखिए, आपका दिक्कत खत्म हो जाएगा. तो पहले हम लोग समझ लेते हैं isosceles triangle होता क्या है. isosceles triangle आप जानते ही होंगे कि isosceles triangle एक ऐसा ट्रेंगल है जिसमें कोई दो साइड इक्वल होता है, चाहे ये हो या ये हो. अभी तत्काल हम लेके चलते हैं कि ये दोनों मान लीजिए इक्वल है. ठीक है, और इसको हम ए ए से दिखाते हैं. जैसे इक्विलेटरल ट्रेंगल में तो फर्स्ट लेटर में हम लोग कंफर्टेबल होते हैं, फर्स्ट लेटर को हम लोग मानते हैं. तो ए दोनों ए साइड इक्वल है और यहाँ पे ये जो है ये इसका बेस है बी. ठीक, हम लोग जानते हैं और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, या एरिया नहीं भी जानते तो समझ लीजिए कि बी बाई फोर जो है बी बाई फोर रूट अंडर क्या होता है, फोर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही इसका होता है एरिया. और इसी को हम लोग आज प्रूफ करने वाले हैं कि कैसे होता है ये एरिया. ठीक है, अब इस एरिया को करने के लिए हम लोगों को क्या कुछ बेसिक कंसेप्ट का जरूरत होगा. उस बेसिक कंसेप्ट में दो चीज़ इन्वॉल्व है. पहला चीज़ जो इन्वॉल्व है वो है आपका पाइथागोरस थ्योरम, और दूसरा चीज़ जो इन्वॉल्व है वो है एक सिंपल सा कंसेप्ट कि जो एरिया होता है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल मेनली, वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट आपका चाहिए, बस उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए. और मुझे उम्मीद है ये दोनों चीज़ आपको आता होगा. और पाइथागोरस थ्योरम इतना ही कहता है कि अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, तो उस राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस किसको बोलते हैं, राइट एंगल वाले के सामने वाले साइड को, ये हाइपोटेन्यूस, ये वाले को बेस, ये वाले परपेंडिकुलर. तो ये पाइथागोरस सिंपली कहता है कि एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर यानी इसके स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. इसी दोनों का यूज करके हम इसका प्रूफ करेंगे. ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका एरिया निकालना है. तो एरिया जो होता है वो इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, बेस इंटू हाइट. बेस तो हमारे पास बी है, हाइट कहाँ से है, हाइट निकालने के लिए हमको एक परपेंडिकुलर इस पर गिराना पड़ेगा. ठीक है, ये गिरा दिया मैंने इस पर परपेंडिकुलर. ठीक, तो परपेंडिकुलर गिरा दिया तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास दो राइट ट्रायंगल बन गया. ये अगर ए बी सी था और यहाँ डी आ गया, तो अब ये दो राइट ट्रायंगल बन गया, एक ए सी डी और एक ए बी डी, ये दो राइट ट्रायंगल बन गया. तो इस कंडीशन में अगर हमको एरिया निकालना है इस पूरे ट्रायंगल का, तो बेस तो हमारे पास है, हाइट चाहिए, तो हाइट हमको ए डी का लेंथ निकालना पड़ेगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो निकालना है अगर, तो वो किससे निकलेगा, 1/2 इंटू बेस जो कि है बी सी इंटू हाइट जो कि है ए डी. अब देखिए बेस सी, बी सी तो हमको पता है, बी सी जो है बी के इक्वल है. अब ए डी निकालने के लिए हमको थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का मदद लेना पड़ेगा. क्यों, ए डी को डायरेक्ट एच लिख देते हैं, क्या बुराई है. तो ये बुराई है कि एच जो है वो नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा सिर्फ ए या बी. तो उस केस से आपको कैसे निकालेंगे एच. ठीक है, तो ए और बी के मदद से हम लोग एच निकालने का कोशिश करते हैं. उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जब परपेंडिकुलर गिरता है आइसोसेलस ट्रायंगल के बेस पे तो उसको दो इक्वल इक्वल हिस्से में बांट देता है. मतलब ये अगर बी सी अगर 6 सेंटीमीटर का होगा तो जब एक परपेंडिकुलर गिराते हैं उसके अपोजिट वर्टेक्स से, तो इसको 3 सेंटीमीटर में कर देगा. आपको इसका अगर प्रूफ देखना है तो सिंपल इसका प्रूफ है. देखिए इस दोनों ट्रायंगल को अगर कंगुरेंट कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, जरूर हो जाएगा. तो कंगुरेंट कैसे करेंगे, तो सिंपल सा आप देखिए, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में, ये 90 डिग्री है. ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूस इक्वल है, तो आर यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस जो कि ये है और साइड, तो आर एच एस से दोनों कंगुरेंट हो जाएगा. जहाँ कंगुरेंट हो जाएगा तो ये और ये इक्वल हो जाएगा. खैर इसका मतलब आप सब जानते ही होंगे कि जब कोई परपेंडिकुलर गिरता है अपोजिट वर्टेक्स से राइट एंगल ट्रायंगल में बेस पे, तो उसको टू इक्वल भाग में बांट देता है. मतलब ये अगर बी था तो ये भी बी बाई टू हो गया, ये भी बी बाई टू हो गया. तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया, मान लीजिए ये ट्रायंगल ले लेते हैं. ऑफकोर्स हम लोग ये ट्रायंगल भी ले सकते हैं, पर आसानी के लिए हम लोग ये लेते हैं. आसानी क्या है, दोनों सेम ही, इसीलिए इसमें ज़्यादा हम लोग को फील आता है राइट ट्रायंगल में. ये हमारे पास ए है, ये कितना है बी बाई टू. ठीक है, ये बी बाई टू है. अब हमको ये एच चाहिए, तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम सिंपली अप्लाई कर देते हैं. अगेन हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको इस फॉर्मूला में बैठाना बेस इंटू हाइट, बेस तो पता है, हाइट नहीं पता है. तो यहाँ से हाइपोटेन जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. बेस यहाँ पे क्या है, बी बाई टू इसका स्क्वायर. तो यहाँ से हम लोग को ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हाइट. तो हाइट मैं इधर एक तरफ ले आता हूँ और इस दोनों को एक तरफ, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. अब इधर क्यों ला रहे, क्योंकि हमको हाइट अकेले चाहिए, इसको इधर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा बी बाई टू का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बाई फोर. अब सिंपल से एलसीएम आपको आता ही होगा. ठीक है, एलसीएम और सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शनल आईडी सब्ट्रैक्शन, तो फोर इसका एलसीएम हो गया. यहाँ वन है तो फोर वन जा फोर, तो फोर ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर. तो ये क्या आ गया, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर. ये क्या आ गया इसका, ये आ गया इसका हाइट. ठीक है, हाइट का स्क्वायर. अब हमको क्या निकालना, हमको तो हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने के लिए अब इधर स्क्वायर है तो इधर पूरा स्क्वायर रूट हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर. ये क्या आ गया, तो ये अंदर से तो कुछ निकालने वाला है नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. अब ये नहीं फोर निकाल दीजिएगा, फोर को यहाँ टू निकाल दीजिएगा, दोनों सब्ट्रैक्शन में है, तो पहले इधर सब्ट्रैक्शन होगा, इधर कुछ नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको ऐसे ही रन दीजिए, फोर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर.
यहाँ अगर 4 है तो 4 अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो इसको मैं निकाल सकता हूँ 2। ठीक, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब हमको अगेन एरिया चाहिए अगर ट्रेंगल ए बी सी का, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ट्रेंगल ए बी सी वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो हमारे पास बी है ही पहले से, तो 1/2 इंटू बेस। हाइट क्या निकला है, अभी हाइट अभी निकला है 4a² माइनस b² बाय 2। तो बस सिंपल है, आगे ना b सब किसको मल्टीप्लाई किया, बी 2 जा 4, तो b बाय 4 रूट अंडर 4a² माइनस b². बस इतना ईजी था। देखिए आपको भारी लग रहा होगा तो अब खत्म, क्या करना है आपको, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। तो करना क्या है, एरिया ऑफ ट्रेंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, उसी फॉर्मूला में बैठा होना। बेस आपके पास पहले से था, आप हाइट निकाल लिए, कैसे, तो हाइट निकाल दिए पाइथागोरस थ्योरम के यूज से, बस काम खत्म। तो अगर आप समझ गए हैं, आपको अच्छा लगा है, तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।